अब इस गरीबी के सामने में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया उसकी जरूरत नहीं थी। और समय सबका विकास, विकास कितना दूरी तक पहुंच रही, कुछ बता सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट का विकास विकास कितना आगे चल रही है? विकास बोले तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में बहुत ज्यादा विकास दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि आज जैसे कि आसाम एडवांटेज इन्होंने सबमिट किया था, उसके बाद में कितनी इंडस्ट्रीज आई, बिना इंडस्ट्रीज के कहीं विकास नहीं होता है। कॉन्ट्रेरी ये हुआ कि हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है वो 2 साल से बंद है, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अंदर में कम से कम भी 3 लाख आदमी बेरोजगार हो गया। अभी तक भी गवर्नमेंट को ये नींद से नहीं उठा कि इसको मिल को चलाना चाहिए। पता नहीं क्या गवर्नमेंट के दिमाग में है। आप चाहते हो कि है ना यहाँ पे इंडस्ट्री आए और आपकी ही इंडस्ट्री बंद हो जाए, ये कैसा विकास है? इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और मिलों को चालू करना चाहिए। कई इम्प्लॉयज़ तो ऐसे हैं जो मर गए हैं, उनको अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिला, ग्रेचुटी का पैसा नहीं मिला, उनका इंश्योरेंस का पैसा जमा नहीं हुआ तो उनको इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिला। कई लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ में आता है पता नहीं। इतना एजिटेशन चल रहा है, कछार में चल रहा है, नौगांव में चल रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एकदम कान में है ना तेल डाल के बैठा हुआ है। गवर्नमेंट को उठना चाहिए और ना यहाँ की जनता के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ का विकास करने के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस नॉर्थ ईस्ट का विकास हो तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे कि यहाँ का विकास हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमको बिजनेस नहीं करना है इसलिए बंद कर दो। आपको जान कर करके आश्चर्य होगा, उस जब हिंदुस्तान पेपर बंद हुआ था उसके पहले जो पेपर का दाम था उसके बाद में आज के तारीख में उससे कम से कम भी 100% पेपर का दाम बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर में केवल हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन ही एक ऐसा यूनिट था जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में था, बाकी सारे जो थे वो सब प्राइवेट सेक्टर में थे। प्राइवेट सेक्टर वालों को एक मौका मिल गया कि ना अब वहाँ पर हिंदुस्तान पेपर है नहीं तो अपने प्राइस बढ़ाते जाओ। इसका इफेक्ट किसको हो रहा है? स्टूडेंट्स को पैसा देना पड़ रहा है, ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा पैसा लगने लग गया। ये विकास कैसे होगा? इस विकास की तरफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली कुछ ना कुछ एक्शंस लेना चाहिए। आज है ना लोगों का, आज वहाँ पर जितना भी पैसा बाकी है लोगों का, उसमें किसका पैसा बाकी है? या तो बैंकों का है, या गवर्नमेंट का अपना पैसा है, या फिर एम्प्लॉयज़ का है, या फिर सप्लायर्स का है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट और या फिर बैंक, ये दोनों उन्हीं की ही अपने उपक्रम हो गए। आज से ना सप्लायर्स का पैसा नहीं मिल रहा है तो जो सप्लायर जो भी काम किए थे या जो भी इंडस्ट्री चल रही थी उनके बदौलत वो सब एनपी हो जाएंगे। एनपी हो गई, कई कई हो जाएंगे। ये पैसा फिर किसका डूबा? वापस बैंकों का डूबा। एम्प्लॉयज़ का पैसा आप नहीं दे रहे हो तो एम्प्लॉयज़ अपना घर कैसे चलाएंगे? कम से कम भी 3 लाख आदमी इसमें बेरोजगार हो चुके, और अभी तो इसका रिजल्ट अगर अभी भी इमीडिएटली चालू नहीं होगा तो आगे आने वाला समय के अंदर में ये जो बेरोजगार होंगे वो क्या करेंगे? वो एंटी सोशल बन जाएंगे। उनको अपना पेट तो चलाना पड़ेगा, फिर बोलेंगे कि ना एंटी सोशल हो रहा है ना, यहाँ पर चोरी हो रही है, यहाँ पर डकैती हो रही है, यही होगा फिर लास्ट में। विकास की और मतलब एक धब्बा जैसा लाग रहा है, दिखाई दे रहा है कि आखिर ये लोगों का चीज़। माइंड डिवाइड किया जा रहा है। माइंड डिवाइड तो क्या है कि देखिए ना पॉलिटिक्स ऐसी है चीज ही है कि डिवाइड करो और रूल करो। विकास बोल कर करके कर नॉर्थ ईस्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोगीबिल का जो आप बोलते हो, बोगीबिल आज का बनाया हुआ नहीं है, ये तो आज है ना 20 साल पहले किसी ने नींव रखी थी, वो आज है ना कंप्लीट हुआ। डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उसने इसमें गति लाई कंप्लीट करने में, लेकिन उनकी अपनी सोच कहाँ है? उन्होंने अपना क्या किया? आज हमको जहाँ तक ध्यान है हमारे गुवाहाटी के अंदर में भी वो ब्रिज बन रहा था नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करने का, उसको एबेंडन कर दिया गया। क्यों एबेंडन कर दिया गया? आज अगर उसको कर देते तो गुवाहाटी है ना अपना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता नॉर्थ गुवाहाटी से, नॉर्थ गुवाहाटी बहुत ज़्यादा डेवलप करता। जोड़ना चाहता हूँ, माजुली वाले बहुत परेशान है ब्रिज के लिए, मगर डायग्राम होने का बावजूद भी अभी तक बना
बनानी, 4.5 साल बीत गया। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए। केवल एक सेंटर के अंदर में मोदी जी बोलने से नहीं होगा ना, स्टेट गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा काम करने के लिए।